पावरफुल स्मार्टफोन अंडर 30,000। तो यार आज इसी टॉपिक की बात करेंगे, तो बात करते हैं नंबर 4 की। तो नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 पे यार मैंने रखा है नॉन चाइनीज स्मार्टफोन को, मतलब सैमसंग के स्मार्टफोन को रखा है। तो भाई अगर आपने सैमसंग के स्मार्टफोन की ओर जाना है, आप जा सकते हो सैमसंग गैलेक्सी M21 की ओर। अगर मैं इस स्मार्टफोन की बात करूं, सबसे पहले ये आपको मार्च 2020 मॉडल देखने को मिलता है, प्लास्टिक बैक के साथ देखने को मिलेगा। तो इसको केस डालकर ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। आपको 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन देखने को मिल जाती है। तो यार 13,000 के प्राइस रेंज में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाना, जो एक सच में चीज मैटर करती है। तो भी अगर आप नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब वीडियो देखने के ज्यादा शौकीन हो, या अगर आप इंडोर या आउटडोर यूज करोगे, आपका एक्सपीरियंस बहुत सही होने वाला है, बिकॉज इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी होने वाली है। अगर मैं बात करूं इसके परफॉर्मेंस की, तो भाई अगर आपको गेमिंग के लिए चाहिए, मल्टीटास्किंग के लिए चाहिए, यह स्मार्टफोन मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, बिकॉज इसमें आपको एक्सनॉक्स 9611 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि गेमिंग के लिए इतना ज्यादा सही नहीं है, जो कि 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ तो भेजता है। लेकिन अगर आपको कैमरे के अकॉर्डिंग चाहिए, बिग बैटरी चाहिए, या आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, आपके लिए ये स्मार्टफोन परफेक्ट डील होने वाला है। ये स्मार्टफोन जो है 2 वर्ल्ड में देखने को मिलता है, 4GB रैम के साथ एंड 6GB रैम के साथ। जो भी आपको प्राइस रेंज में सेट बैठेगी, आप उसके और चल जाना। आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, जिस पर आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो। 48 मेगापिक्सल के साथ आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेगा, 20 मेगापिक्सल के साथ आपको सेल्फी देखने को मिल जाती है, आपको 6000mAh की बैटरी मिल जाती है। तो भाई अगर आपको बिग बैटरी स्मार्टफोन चाहिए, तो भी आपके लिए बेस्ट डील होने वाला है सैमसंग गैलेक्सी M21। प्लस आपको 15W की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, प्लस ये 2 कलर्स में देखने को मिलता है, फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक वगैरह भी आपको देखने को मिल जाता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया सैमसंग गैलेक्सी M21 के। तो यार फोन पूरा लोडेड है, लेकिन अगर आपको गेमिंग के लिए चाहिए, मैं आपको रिकमेंड नहीं करने वाला। लेकिन अगर आपको बिग बैटरी चाहिए, स्टाइलिश डिजाइन चाहिए, डिस्प्ले अच्छा चाहिए, उसके बाद भी अगर आपने 4K में वीडियो शूट करना है, अच्छी फोटोज लेना चाहते हो, अच्छी सेल्फी लेना चाहते हो, आप सभी के लिए, आप सभी कैटेगरीज के बंदों के लिए लाइक ये स्मार्टफोन परफेक्ट डील हो सकता है। तो भाई अगर आपने अभी तक नहीं चेकआउट किया था सैमसंग गैलेक्सी M21 को, तो एक बार आप चेकआउट कर लेना। बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो देखना चाहते हो देख लेना, परचेज करना चाहते हो तो परचेज भी कर सकते हो, जैसे दिल करता है कर सकते हो। आगे बात करते हैं नंबर थ्री की बात करते हैं। नंबर थ्री पर यार मैंने स्मार्टफोन रखा है पोको की ओर से, मैं बात कर रहा हूँ पोको M3 की। तो भाई अगर आपको एक स्टाइलिश डिज़ाइन चाहिए, आपके लिए ये परफेक्ट स्मार्टफोन होने वाला है। एंड ये आपको 12,000 के प्राइस रेंज में बेस्ट स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर देता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ 12,000 के प्राइस रेंज में आपको 6GB रैम मिल जाएगी, प्लस आपको 128GB स्टोरेज देखने को मिल जाता है, जो कि बेस्ट डील होने वाले। अगर आपने मल्टीटास्किंग करनी है, अगर आपने गेमिंग करनी है, आप इस स्मार्टफोन पर कर सकते हो, बिकॉज इसमें आपको स्नैपड्रैगन की ओर से ऐसा देखने को मिल जाता है, स्नैपड्रैगन 662, जो कि 11nm टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले तो नहीं मिलती, लेकिन इसमें आपको IPS LCD देखने को मिल जाती है, जो कि 16:9 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है, जो कि गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन के साथ देखने को मिल जाती है। इसमें भी आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाएगा 48MP के साथ, एंड 8MP की आपको सेल्फी मिल जाती है, 6000mAh की बैटरी मिल जाती है, 18W की फास्ट चार्जिंग एंड रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। 3 कलर्स में यह स्मार्टफोन देखने को मिलता है, लेकिन इसको येलो कलर बहुत ही ज़्यादा सूट करता है। तो भाई अगर आपने जाना है पोको M3 की ओर, आप जा सकते हो। बहुत लोगों ने इसको परचेज किया, 4.5 रेटिंग मिल जाती है, पॉजिटिव कमेंट देखने को मिलेंगे। तो भाई अगर आपका बजट 12,000 है, 13,000 से भी अगर आपका बजट कम है, 12,000 के प्राइस रेंज में आपको पोको M3 देखने को मिल जाता है। अगर आपने गेमिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, अच्छा डिज़ाइन चाहिए, अच्छे कलर्स चाहिए, आप सभी के लिए बेस्ट होने वाले हैं। प्लस भाई अगर आपको बिग बैटरी चाहिए, आप भी स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो। अभी आगे बात करते हैं नंबर टू की बात करूं। पे यार मैंने रखा है Redmi Note 9 को। तो सबसे पहले भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये 11 से 12,000 के प्राइस रेंज में आपको 6GB रैम के साथ वेरिएंट देखने को मिल जाता है, एंड गेमिंग के लिए बेस्ट होने वाला है। प्लस भाई अगर आपको एक स्टाइलिश डिज़ाइन चाहिए, अच्छे कलर, प्यारे कलर्स चाहिए, आप सभी बंदों के लिए ये स्मार्टफोन भी परफेक्ट डील होने वाला है। फ़ोन जो है थोड़ा सा पुराना हो गया, लेकिन इतना भी पुराना नहीं हुआ कि इसको मैं 12 से 13,000 के प्राइस रेंज में ना रखूं, बिकॉज ये आपको 6.53 इंच के साथ आपको IPS LCD मिल जाती है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन के साथ आती है, एंड आपको गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलेगा, MediaTek Helio G85 देखने को मिल जाता है, जो कि 12nm टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। 4 वेरिएंट में स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, क्वाड कैमरा मिल जाता है 48MP के साथ, 30MP की सेल्फी मिल जाती है, 5020mAh
की बैटरी मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, रिवर्स चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है। तीन कलर्स आते हैं एंड तीनों कलर्स को बहुत ही ज़्यादा सूट करते हैं Redmi Note 9 को। यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको Redmi Note 9 के भी बता दिया, तो भी अगर आपने इस स्मार्टफोन की ओर जाना है आप इस स्मार्टफोन की ओर भी जा सकते हो, आपके लिए ये स्मार्टफोन भी परफेक्ट डील हो सकता है। बाइंग लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाता है। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि फोन थोड़ा सा पुराना हो गया लेकिन इतना भी पुराना नहीं हुआ है, स्पेसिफिकेशन सच में बहुत तगड़े हैं, लेकिन जो मैं आगे फोन बताऊंगा वो आपके लिए और भी बेस्ट होने वाला है। तो बात करते हैं नंबर वन की। नंबर वन की बात करूं, नंबर वन पे यार मैंने रखा है Redmi Note 10 को। तो यार ये स्मार्टफोन आपको 13,000 के प्राइस रेंज में या 13,500 के प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है। तो अगर आपने Redmi Note 10 की ओर जाना है आप इस स्मार्टफोन की ओर भी जा सकते हो। मार्च 2020 मॉडल है, आपको डिज़ाइन लुक कलर वगैरह सच में पसंद आने वाले हैं एंड इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है। तो आपका डिस्प्ले क्वालिटी सच में अपर होने वाला है, जो कि आपको 6.43 इंच के साथ देखने को मिलती है, जो कि Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन के साथ मिलती है। प्लस आपको IP53 डस्ट प्रूफ रेटिंग भी मिल जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 11 मिल जाएगा, स्नैपड्रैगन 678 देखने को मिल जाता है, जो कि 11 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। अगर गेमिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है आप इस स्मार्टफोन पे कर सकते हो एंड तीन ब्रांड में स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा। जो भी आपके प्राइस रेंज में सेट बैठता है आप उसके और जा सकते हो, लेकिन आपको 13,000 के प्राइस रेंज में 4GB रैम के साथ देखने को मिलेगा। इसमें आपको क्वाड कैमरा देखने को मिल जाता है जिस पर आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो। सेल्फी की बातों को 30 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है, फिंगरप्रिंट प्लस फेस अनलॉक वगैरह भी मिल जाते हैं, 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, तीन कलर्स में आता है, शेडो ब्लैक में, पेबल वाइट में एंड एक्वा ग्रीन कलर में। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया Redmi Note 10 के, तो भी अगर आपने इस स्मार्टफोन की ओर जाना है आप इस स्मार्टफोन की ओर भी जा सकते हो। बाइंग लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाता है, 4.5 रेटिंग मिल जाती है, बहुत लोग परचेज कर रहे हैं बिकॉज इसके स्पेसिफिकेशन सच में बहुत ही ज़्यादा सही है एंड प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए आपको स्पेसिफिकेशन भी अच्छे प्रोवाइड कर रहा है, यार कोई शक नहीं है। अभी कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, तो यार अगर आप 13,000 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे कर सकते हो तो Redmi Note 10 आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। तो भाई अगर आपका बजट 13,000 है तो पोको M3 की ओर आप जा सकते हो, अगर आपने उसकी ओर नहीं जाना है तो Redmi Note 9 की ओर आप जा सकते हो। अगर आपको नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए तो Samsung Galaxy M21 आपके लिए बेस्ट डील हो सकता है। Realme का मैंने स्मार्टफोन इसीलिए नहीं बताया, Realme का आ जाता है, मिलता है इस प्राइस रेंज में Realme 6i, लेकिन उसके स्पेसिफिकेशन या डिज़ाइन लुक वगैरह इतना खास नहीं है, सो दैट्स वाई मैंने उसको इस बजट रेंज में नहीं रखा। अगर आपने Realme 6i की ओर जाना आप जा सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। अगर आपने लेना ही है तो Realme Narzo 30 Pro आप ले लेना, जो कि 14,000 से 15,000 के प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है, वो बेस्ट है, लेकिन Realme 6i की ओर आप मत जाना। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भी देना, उनको भी कह देना कि चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक एंड इंस्टाग्राम पे कर ले फॉलो, लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो के साथ, थैंक यू।